आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका ड्रीम जॉब है कि एसएससी सीजीएल के अंदर पोस्टिंग ली जाए, अगर वहाँ नहीं मिल पाती है तो सीपीओ में ले लें, सीएचएसएल में ले लें या एमटीएस में ले लें, है ना। तो आज आपको पता है कि देश का जो हाल चल रहा है, लॉकडाउन हो रखा है, और ऐसा बहुत बड़ा चांस है भाई कि अब कॉम्पिटिशन का जो ग्राफ है ना वो यू राइज करेगा। आप देखिए कि आज की डेट में अगर ग्राफ आपका सपोज कीजिए कुछ ऐसा चल रहा है, तो अब ये कंपटीशन का ग्राफ कुछ ऐसा एकदम से यूं बूस्ट करेगा, एकदम से शूट आउट करेगा। रीजन उसका ये है कि आप देखिए नॉर्मल जो जॉब्स हैं, प्राइवेट जॉब्स हैं, वहां से लोगों को निकाला जा रहा है, अब उनके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो आज की डेट में क्या है कि वो जो प्राइवेट वाली आबादी है वो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में आने की कोशिश करेगी, ये तो है ही है। साथ में आप एक और चीज देखिए कि गवर्नमेंट जो है वो भी अपनी सीट्स कम करेगी, क्योंकि इस वक्त क्या है कि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ बढ़ रहा है। आप सिर्फ ये मत सोचिए कि गवर्नमेंट एग्जाम में आप चले गए तो सब सही हो गया, क्योंकि आप देखिए अगर आप पूरे देश के पर्सपेक्टिव से देखें, एक पीएम के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो आपके लिए क्या है, आपके लिए तो गवर्नमेंट जॉब क्या है, सिर्फ एक वो जो इकोनॉमी को चलाने वाला चक्का है। क्योंकि उसमें अभी क्या होने वाला है कि इन लोगों की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ट्रेड ही नहीं हो रहा, बिजनेस ही बंद है, तो सब कुछ तो उसी पे टिका इकोनॉमी पे, है ना। तो वही नहीं हो रहा तो एडमिनिस्ट्रेशन वाले क्या करेंगे इतने सारे भर्ती होके। तो वही चीज है कि वहां पे भी इस चीज का फर्क आपको दिखने को मिलेगा। तो ये मत सोचिए कि अब आसान रहेगी चीजें, अब मुश्किल होने वाली हैं चीजें भाई। जितने भी लोग तैयारी करने आए बहुत मुश्किल होने वाली है। आप लोगों को इनके पास जितना भी टाइम अभी बचा है ना, चाहे वो 2020 वाले हैं चाहे 19 वाले हैं, तो जम के तैयारी करो, क्योंकि ये जो टाइम है ना, इसके बाद फिर जब जॉब लेने की बारी आएगी ना भाई, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से राइज होंगी। इसीलिए आपको मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ कि कैसे हम लोग प्रिपेयर करें। और कुछ लोग का ये डाउट होता है कि सीईटी आएगा तो फिर हम क्यों अभी प्रिपेयर करें। देखिए ये सब इन टीचरों की कमाई का सोर्स है और कुछ भी नहीं है। ये कॉन्टेंट जो है अभी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जो आज की प्रेजेंट डेट में कॉन्टेंट है एसएससी का, वो सब पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी आपका एक सिलेक्शन होगा। अगर आप सोचते हैं कि ये टीचर कुछ नया पढ़ा देंगे उस टाइम पे, है ना, और आपका सिलेक्शन हो जाए, तो भूल जाओ। क्योंकि पेपर में कभी भी यार एकदम से सडन चेंज नहीं आता किसी चीज में, ये पैटर्न के ऊपर ही चला जाएगा। आप देखिए टीसीएस जब आया तो कितने टीचर्स ने अपने झोले भरे पैसे छापे, है ना, कि टीसीएस का पैटर्न, जबकि आपको पता है कि टीसीएस ने बिल्कुल एसएससी का पैटर्न पे ही रखा है। ऐसे नहीं उन्होंने किया कि पैटर्न ही चेंज कर दिया हो, क्योंकि लोग किससे कंपेयर कर रहे थे, टीसीएस को बैंकों से कंपेयर कर रहे हैं, कैट से कंपेयर कर रहे हैं, है ना, कि वो तो उस लेवल का है टीसीएस, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एसएससी का पैटर्न देखा, एसएससी ने अपने रूल्स जो थे बताया कि हम ऐसा पैटर्न रखते हैं, तो उन्होंने वैसे ही एग्जाम दिया है। ऐसा थोड़ी करेंगे वो कि कैट का उठा के दे देंगे आप लोगों को। तो यहां पे अगर सीईटी भी कभी होगा तो उसमें भी यही चीज होगी। ऐसा गलतफहमी में मत रहना कि सीईटी में कुछ और हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी जो टीयर टू वहां पे होना वो तो आपके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ही लेगा, एसएससी ही लेगा, है ना, वो तो टीयर वन है जो कॉमन है, तो उसमें तो आपको बल्कि बेनिफिट होने वाला है, उसमें लॉस नहीं होने वाला सीईटी में, ठीक है जी। चलो अब देखिए, आप टीयर वन की जब मैं बात करता हूं, टीयर वन की, इसके अंदर जो आपका टोटल 100 क्वेश्चन है ना, 100 क्वेश्चन में आप दो दो नंबर के हैं तो 200 मार्क्स हो गई है। आप देखिए इसके अंदर कि मैं इंग्लिश और मैथ की पहले बात करता हूं कि जो मैथ्स है, मैथ्स के आपके देखिए 25 क्वेश्चन है, मैथ्स के 25 क्वेश्चन है और ये है 50 मार्क्स के। अब जब टीयर टू की हम बात करेंगे तो टीयर टू में देखिए मैथ्स कितने नंबर का आएगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का हो गया, तो टोटल ये 250 का हो गया। बिल्कुल सेम ही चीज इंग्लिश में भी होगी, इंग्लिश के अंदर भी ऐसी होगा कि 50 नंबर का यहाँ पे टीयर वन का हो गया और 200 नंबर का टीयर टू का, 250 की इंग्लिश होगी। आप देखिए कि टोटल ये कितने हो गए, 500 नंबर हो गए, यानी कि इंग्लिश और मैथ्स के मिला के 500 नंबर हो गए हैं, है ना। अब आप देखिए कि टीयर वन के अंदर जीके भी आती है जो कि 25 क्वेश्चन होते हैं यानी 50 नंबर की, रीजनिंग है 25 क्वेश्चन यानी कि 50 नंबर की, 100 नंबर ये हो गए आपके रीजनिंग और जीके के मिला के आपके 100 नंबर हो गए। और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टीयर थ्री जो आएगा, है ना, यहाँ पे लिख लो T3, तो इसके भी कितने हो गए, 100 नंबर हो गए। यानी कि ये जो 200 नंबर हैं ये एक एक्स्ट्रा नंबर है और एक तरफ इंग्लिश और मैथ्स के नंबर है 500 नंबर, ओके। आप देखो कि ये जो टीयर थ्री है ये भी कुछ अलग नहीं है, ये भी इंग्लिश ही है, तो इसको भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ, मैं उसको इधर ही डाल देता हूँ इंग्लिश के सेक्शन में। तो आप देखिए इंग्लिश 350 नंबर की है, तो यहाँ पे अगर 100 और मैं ऐड करूँ तो ये टोटल 600 नंबर का आप देखिए कि मैथ्स और इंग्लिश है भाई मेरे, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, मैथ्स और इंग्लिश 600 नंबर का है एसएससी में, जिसमें इंग्लिश की वेटेज बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या है ना,
हम लोग ज्यादा टाइम लोग क्या करते हैं, जीएस ही पढ़ते रहते हैं, वो बस लोगों से यही पूछते रहते हैं जीएस में कैसे नंबर लाएं। ऐसा नहीं है अपने को कि जीएस पढ़नी ही नहीं, जीएस पढ़नी है, लेकिन कितनी वेटेज देनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर। और ऐसे ही रीजनिंग का देखिए कि रीजनिंग में क्या है, अगर आप बैंक के साथ कंपेयर करेंगे एसएससी की रीजनिंग, तो रात और दिन का फर्क है उसके अंदर। इतना आसान रीजनिंग एसएससी की है, और वहीं बैंक की अगर देखें तो बिल्कुल ही अलग लेवल है ना। तो इसीलिए दोनों को कंपैरिजन नहीं है कोई भी। इसीलिए कभी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो अगर बैंक की करना है तो बैंक की तरफ ही रही है, एसएससी की करना है तो एसएससी की तरफ ही रही है। आने वाले कुछ दिनों में मैं बैंक के बारे में भी बताऊंगा कि क्या क्या हमें बारीकियां हैं, क्या क्या और चीजें हमें उसमें देखनी चाहिए। चलो इसमें देखते हैं हम। अब देखो अपना इतना प्राइमरी फोकस है कि इंग्लिश और मैथ्स अपने मेन टॉपिक्स हैं। अब मैथ्स की तैयारी कहाँ से करनी है, बच्चे को ये नहीं समझ आता है ना, मैथ्स की जो है तैयारी कहाँ से करनी है और कौन सी किताबें पढ़नी है, स्टार्ट कहाँ से करना है। देखो मैं सिंपल सी एक बात आपको बताता हूँ कि मैथ्स में जो दो सेक्शन है, एक तो आपका अरिथमेटिक का हो गया और एक हो गया आपका एडवांस का। जो एडवांस का पोर्शन है वो ऑलरेडी मैं सारा प्रोवाइड कर चुका हूँ आप लोगों को इस चैनल पे, जीवी मैथ्स चैनल पे अभी मैंने नहीं किया, यहाँ पे मैं डालता रहूँगा, थोड़ा सा समय रुकिए, डेली बेसिस पे मैं डालता रहूँगा यहाँ पे सारे का सारा कंटेंट। अगर आपने अभी देखना है अर्जेंटली तो एक हमारा चैनल है जीवी विटमोवर, ठीक है, इस चैनल पे आप जाके सारा कंटेंट देख सकते हैं। पूरी 10-10, 12-12 घंटे की हर चैप्टर की वीडियो डाली गई है। अदरवाइज क्या है कि इस चैनल पे भी मैं रेगुलरिटी में डालता रहूँगा, बस एक दिन रुकिए आप तो यहाँ पे सब कुछ आता रहेगा आपके पास, ठीक है। जितने भी 2020 के स्टूडेंट हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ आज। अरिथमेटिक की बात करें तो इसमें क्या है, ये अभी हमारा चल रहा है, इसमें मैं ऑलरेडी आपको प्रॉफिट लॉस करवा चुका हूँ, तो ये आपको करना है, परसेंटेज करना है ना, ये सारे के सारे जितने टॉपिक्स हैं ये सारे इंटरलिंक्ड होते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। प्रॉफिट लॉस के बाद हमारा सीआई और एसआई आ जाएगा, बस 2-3 दिन के अंदर ये प्रोवाइड कर दूंगा आपको मैं, पूरे का पूरा चैप्टर कर दूंगा प्रोवाइड। तो आपको क्या है कि कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जितना भी ढिंढोरा पीटा जाता है ना कि हमारे पास आओ हमारे पास आओ कोर्स लेने, कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, आपको सब कुछ यहीं प्रोवाइड हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये चैनल बनाई उन लोगों के लिए गया है कि जिनको जरूरत है भाई, ठीक है। तो ये लेकिन देखिए यहाँ से एक बार आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे मैं किसी किताब से सीख लूँ तो बात नहीं बन पाएगी एसएससी में। आज की डेट में इतना कंपटीशन हो गया कि नहीं बन पाएगी। किसी भी किताब में आपको पूरा कंटेंट नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे जो मैं प्रोवाइड करूँगा आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, मैंने 500 जगह से 500 किताबों में देख लिया, तो एक भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं। और इस बात की गारंटी रहेगी कि कोई भी किताब उठा लेना आप एसएससी की, उसका हर क्वेश्चन आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट दूंगा उसमें सारे टाइप्स कवर होंगे, सारे तरीके कवर होंगे और सारा कंटेंट कवर होगा। तो कंटेंट के वाइज आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। इसके बाद बुक्स कौन सी करनी है आपको, इसके अलावा जो मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ एक बुक करनी है मैथ्स की प्रीवियस ईयर। अब उसमें भी देखिए कि दो तरह की किताबें, एक है किरण एक है राकेश यादव। हालांकि ये राकेश साहब ने हमें कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया, लेकिन बात क्या है ना कि हम लोग ऐसे नहीं है कि भाई किसी ने स्ट्राइक दे दी बिना बात के फालतू में, है ना, हमारे उस चैनल पर, तो हम उस चीज़ को नेगलेक्ट कर दें जो चीज़ सच है। देखिए सच ये है कि जो राकेश यादव की 7300 किताब है वो बेटर है किरण से। मैं सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ, मैं और किसी भी चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैथ्स की बात कर रहा हूँ इस चीज़ में। तो वो 7300 ले लेना, वो करनी है बस आपको, वो सारी किताब सॉल्व हो जाएगी, उससे कहीं ऊपर है हमारा कॉन्टेंट। और बहुत अच्छी क्वेश्चन की सिलेक्शन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड की आपको, तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा खुद का हुआ, इससे पहले भी बहुत बच्चों का हो रखा है, तो आपका भी होगा, ये डेफिनेटली गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की मैं। लेकिन अब इसमें क्या है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आप कितनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है भाई। ये तो इतना सा काम आपको मैथ्स में करना है। इंग्लिश में क्या करना है अब अपने को, देखो इंग्लिश का कंटेंट मैं अभी प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ आप लोगों को, हालांकि हमारे पास टीचर है लेकिन वो भी थोड़े से बिजी रहते हैं, तो अभी क्या है कि इंग्लिश का तो प्रोवाइड नहीं हो पाएगा कंटेंट। आप देख लीजिए कि यूट्यूब पे अगर कोई बंदा फ्री पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, देखिए ठीक है सिंपल सी बात है। अगर नहीं पढ़ा रहा है तो आपको किताबों का रेफरेंस देता हूँ, एसपी बख्शी और दूसरी है एक है नीतू मैम की बुक, देखिए ये दोनों किताबों में से कोई भी ले लीजिए। कुछ लोग रैनन मार्टिन भी बोलते हैं, रैनन मार्टिन में क्या भाई कि बहुत ज़्यादा कंटेंट है, वो देखना पड़ेगा आपको, फिर फिल्टर आउट करना पड़ेगा, वो कम्प्लीटली एसएससी ओरिएंटेड नहीं है किताब, ठीक है। तो ये जो दो किताबें हैं इनमें से कोई एक किताब को रेफरेंस ले लो, मैंने दोनों ही पढ़ रखी हैं, कोई एक को ले लेना
उससे क्या है कि आपके सारे रूल्स पक्के हो जाएंगे। आपको एसपी बख्शी और नीतू मैम की किताब में से ग्रामर करनी है बेसिकली, ग्रामर, ठीक है। पहले ग्रामर के रूल्स पढ़ लेना, और एक बार ग्रामर के रूल्स आ गए उसके बाद उसको प्रैक्टिस कहाँ से करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर से। अब प्रीवियस ईयर में क्या है, यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा, मेरे को बेटर लगती है किरण। कुछ लोगों को एमबी पब्लिकेशंस की अच्छी लगती है, उसमें सेट्स दे रखे हैं, लेकिन किरण की मेरे को क्यों बेटर लगती है, क्योंकि उसमें क्या है कि जैसे एक पर्टिकुलर चीज है, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट या टेंसिस कर रहे हो आप, कोई भी एक टॉपिक कर रहे हो, उसके सारे क्वेश्चन एक साथ दे रखे हैं, उसमें सेट्स नहीं है, है ना। तो अपने को जो शुरू करते हैं जब हम प्रिपरेशन, तो अपने को प्रैक्टिस करनी है, हमें सेट्स नहीं चाहिए उस वक्त। सेट्स हमें बाद में चाहिए होते हैं, जब हमें उस चीज़ के अंदर अपने आप को निखारना होता है, हमें स्पीड बढ़ानी होती है, तब सेट्स चाहिए होते हैं, है ना। तो हम सेट्स वाली कोई भी किताब नहीं लेंगे, हमें किरण वाली जो किताब है वो ले लेनी है, वो बेटर है मेरे हिसाब से। आप अपने हिसाब से देख लेना, मेरे को जो सही लग रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो इसमें से आपको प्रैक्टिस करना, और इंग्लिश का लेवल आज की डेट में देखा जाए तो कोई खास लेवल आ नहीं रहा है। इसी को अगर आप बैंक या कैट से कंपेयर करेंगे तो भाई हिल जाओगे आप लोग, है ना। इतना आसान लेवल है एसएससी का इंग्लिश का, तो इसीलिए बच्चों के बहुत ज़्यादा नंबर आ जाते हैं। अभी नंबरों की भी मैं बात करूँगा कि कितने कितने नंबर चाहिए आपको, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे पढ़ना है। तो ये क्या है कि इतना इंग्लिश के लिए सफिशिएंट है आपको, और इसके अलावा जब आपका वो टाइम आएगा जब हमें ऐसे लेटर करना होगा तब की तब देखेंगे, है ना, वो चीज़ें तब बताऊंगा, अभी उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे लेटर की तैयारी कोई इस वक्त नहीं करता है, अभी आपको पूरा फोकस किस बात पे करना है, आपको इंग्लिश और मैथ्स के ऊपर फोकस करना है, ना कि जीएस और रीजनिंग पे। रीजनिंग तो देखिए पैरेलल है, वो चलती रहेगी, जीके पे अभी फोकस नहीं करना है ज़्यादा आपको। आपको दो ही सब्जेक्ट है जिन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, मैथ्स और इंग्लिश पे। जीके पे भी करेंगे लेकिन थोड़ा सा बाद में करेंगे, क्योंकि वो भूल जाएगी अगर अभी आप करेंगे तो, क्योंकि पता नहीं है कि 2020 का पेपर किस वक्त होना है अभी। ओके, अब इसके बाद देखिए रीजनिंग की बात अगर आती है, अच्छा इसमें क्या है कि जितने भी ग्रामर है या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है या फिर आप कहीं एक्टिव पैसिव है, वकैब है, आपको सिर्फ इसी किताब से करना है, प्रीवियस ईयर से। इसी के ऑप्शंस को भी देख लीजिएगा वकैब के अंदर, है ना, तो वो सारी की सारी चीज़ें कर लेंगे, मोर देन सफिशिएंट है, और किसी भी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। इतना ज़्यादा आपसे वैसे भी नहीं हो पाएगा, वहाँ पेपर में हम ऑप्शन एलिमिनेशन लगा देते हैं फिर, ठीक है जी। अब देखो कि रीजनिंग की मैं बात करूँ, अगर रीजनिंग की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर भी मेरे को क्या करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर की एक किताब जो है आपकी किरण की ले लेना, मेरे को वही बेटर लगी थी। तो उसमें क्या है कि सारा कुछ दे रखा है, वो कर सकते हैं, या फिर इसमें क्या है कि अगर आपको सारे टाइप्स ही कवर करने हैं तो इसमें भी राकेश यादव की एक किताब है आपकी रीजनिंग की देख लेना, होगी है ना एक किताब, लाल किताब, तो उसके अंदर क्या है कि सारे टाइप्स कवर हैं। या फिर वो नहीं बुक ले रहे हैं तो कोई यूट्यूब पे देख लेना कि क्या किसी बंदे ने सारे टाइप्स कवर कर रखे हैं। अगर किसी ने टाइप्स सारे कवर कर रखे हैं तो उसकी वीडियोस देख लेना, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक आपको काम करना पड़ेगा, तो अगर आप ये कर लेंगे तो आपके सारे टाइप तो हो जाएंगे। प्रैक्टिस आपको प्रीवियस ईयर से ही करनी है। ओके, अब जीके की मैं बात करूं तो जीके के लिए लोग क्या बोल रहे हैं, मेरे को कुछ लोग पूछते हैं भी एनसीईआरटी पढ़ लें तो चलेगा। भाई देखो ऐसा है कि यूपीएससी का एग्जाम तो दे नहीं रहे हो, तो एनसीईआरटी को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। उससे क्या करोगे आप, पढ़ के नोट्स ही निकालोगे ना। लेकिन आप देखिए कि एसएससी के अंदर आपके पास ऑलरेडी रेडी एंड मेड नोट्स पड़े हैं। लूसेंट के अंदर, लूसेंट में आप देखिए कि सब कुछ ही कवर्ड है, वो सारी एनसीईआरटीज का निचोड़ ही है, उसके अंदर मोर देन सफिशिएंट है। इतना डेटा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतने फैक्ट्स जो हैं वो सारे दे रखे हैं, वो इतने याद भी नहीं रहेंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लूसेंट पढ़ लेना, या फिर किसी अच्छे टीचर की वीडियोस मिलती हैं तो वो एक अलग बात है। जैसे कि हम लोगों ने आपको केमिस्ट्री की वीडियो प्रोवाइड कर रखी है सारी की सारी, इस चैनल पर भी डाल दूंगा, जीबी बिटमूवर चैनल पर तो है ही है, है ना। तो वो प्रोवाइड कर रखी है, केमिस्ट्री की कर रखी है, बायो की कर रखी है। और पॉलिटी की बात करें तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि 25-30 घंटे की पूरी पॉलिटी आप लोगों को प्रोवाइड कर दें, कोशिश हमारी जारी है ना। तो आप लोगों के लिए जितना फ्री कंटेंट हम दे पाएंगे देंगे। तो ये क्या है कि लूसेंट प्लस आपको अगर कोई फ्री वीडियो मिल जाए तो वो देख लो, और साथ में आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर लो। देखिए ये इतना काम हो गया, ये जितना भी सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ ये एकदम से होने वाला नहीं है, इसमें कम से कम आपको 6 से 7 महीने लग सकते हैं, और हो सकता है 8 से 9 भी लग जाएं आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग। तो ये इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना कर लेना, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। इसके बाद तो इसी को बार बार प्रैक्टिस करना है। तो देखिए कि सिलेक्शन किसका होता है, सिलेक्शन उस बंदे का होता है भाई, सिलेक्शन जो है ना ये उस बंदे का होगा जो कम से कम इस सिलेबस को 3 से 4 बार जिसने पढ़ा होगा, 3 से 4 बार पढ़ा होगा। रीज़न उसका क्या है कि एक बार से कभी भी याद नहीं होता, प्रैक्टिस में नहीं आता है। मैथ्स जो है वो तो बार बार डिमांड करता है, इंग्लिश के रूल्स बार बार डिमांड करते हैं कि उनको पढ़ा जाए।
तो इसीलिए आपको यही सिलेबस को बार बार पढ़ना है। लोग क्या सोचते हैं कि इतना कर लिया हमने एक बार, अब कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, उनको बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो लेकिन वो सबसे गलत स्ट्रेटेजी है, लोग ऐसी शेयर करते रहते हैं आपके साथ। लोग क्या कहते हैं, एक का कोर्स ले लिया, दूसरे का कोर्स ले लिया, भाई इतने की जरूरत ही नहीं है अपने को। अपने को क्या है कि ये बार बार पढ़ेंगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इतना सी चीज़ आप बार बार पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। क्यों नहीं होगा भाई, सबका हो रहा है। इतने साल से जो टॉपर्स बन रहे हैं वो इसी ऐसे ही तो बन रहे हैं टॉपर, और क्या आपको लगता है कि 10 लोगों से बढ़ के वो बनने? कभी भी नहीं। जो बंदा 10 लोगों से बढ़ता है वो कभी बन ही नहीं सकता, ये उसका सिलेक्शन ही मुश्किल हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ आज। ठीक है, ये काम आपको करना है। इसके अलावा रही मॉक की बात, सब कुछ मैं इसी वीडियो में कवर कर देता हूँ। मॉक टेस्ट की जो बात रही, अभी आपको वीक के अंदर एक मॉक टेस्ट देना है जो 2020 वाले है। एक मॉक टेस्ट आपको जरूरी देना है, चाहे आपका सिलेबस खत्म हुआ है चाहे नहीं हुआ। और उसमें क्या करना है, आप जितने भी मॉक टेस्ट देने हैं आपको पूरा रिकॉर्ड रखना है कि आज मैंने सिलेबस तो खत्म नहीं हुआ था मेरा, लेकिन इस मॉक टेस्ट में मैंने इतने नंबर ले लिए। देखिए, कुछ मॉक टेस्ट आसान होंगे, कुछ डिफिकल्ट होंगे, वो तो फ्लक्चुएट करेंगे नंबर, लेकिन आपको ये याद रहेगा कि मेरे पहले मॉक टेस्ट में कितने नंबर थे और बाद वाले में जब मैंने पूरी प्रिपरेशन कर ली तब कितने आ रहे हैं। उससे आपको एक ग्राफ पता लगेगा आपका कि आप स्टैग्नेट नहीं है, आप लगातार राइज कर रहे हैं। वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो इसीलिए हफ्ते में एक मॉक टेस्ट दीजिए, चाहे आपकी तैयारी हुई है चाहे नहीं हुई, मॉक टेस्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसकी एनालिसिस प्रॉपर कीजिए, है ना, सीखिए उसमें जितना भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि तैयारी पूरी नहीं होगी तो उतने अच्छे एनालिसिस भी नहीं हो पाएगी, लेकिन जितना भी मैक्सिमम आप उससे लर्न कर सकते हैं, लर्निंग के वे से दीजिए आप मॉक को, है ना। और टाइम बाउंड होकर दीजिए, ये नहीं कि कभी उठ के कहीं जा रहे हैं कभी उठ के कहीं जा रहे हैं। एक घंटा आपको पूरा डेडिकेट देना है, उसके बाद उसकी एनालिसिस करनी है और फिर से आपको अपने जो कंटेंट है कंटेंट पे काम करना है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, मॉक टेस्ट में ना बाद में बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर नंबर ही नहीं आ रहे क्या करें, तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि मॉक टेस्ट में तीन चीज़ें हैं, कंटेंट, एक्यूरेसी और स्पीड। ये जो तीन चीज़ें हैं ना, इनमें से एक भी कमज़ोर हुई ना तो आपके मॉक टेस्ट में कभी नंबर नहीं आएंगे। कॉन्टेंट की गारंटी मैं लेता हूँ, एक्यूरेसी की आपको खुद लेनी पड़ेगी, स्पीड की आपको खुद लेनी पड़ेगी। ठीक है, एक्यूरेसी में क्या है कि मैं आपको जितना भी कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ उसमें बताता हूँ सिली मिस्टेक्स, कि आप क्या क्या गलतियाँ कर सकते हैं। मुझे पता होती है क्योंकि मैंने इतने टाइम हो गया, इतने लोगों को ऑब्जर्व कर लिया कि बच्चे क्या क्या गलतियाँ करते हैं, है ना। मैंने भी शुरू में वो सब गलतियाँ की, लेकिन अब क्या है ना कि वो पहले ही पता लग जाती है क्योंकि अब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। तो आपको मैं वो सब चीज़ें सिखा देता हूँ कि आपकी गलती हो ही ना, तो एक्यूरेसी अपने आप ही आपकी बढ़ जाएगी। तो आपको काम जो करना होगा स्पीड पे काम होगा, बार बार प्रैक्टिस करके उसी कंटेंट को बार बार प्रैक्टिस करके स्पीड बनती है। अलग कंटेंट को पढ़ के कभी भी स्पीड नहीं बन सकती है, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। ठीक है भाई, इतना काम कर लेंगे इसी में आपके 8-9 महीने चले जाएंगे। ये छोटा टारगेट नहीं है, आपको टारगेट बेस बनाना है कि हाँ आज मेरी ये काम करना है, कल मुझे ये करना है। एक टाइम था जब 550 नंबर वाले को इंस्पेक्टर मिल जाती थी पोस्ट, लेकिन आज की डेट में नॉर्मलाइजेशन ने इतने बुरे हाल कर दिए कि मैं कह रहा हूँ कि जिसके 600 प्लस 610 620 भी है ना, उसका भी आप भूल जाइए कि इतनी जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपको टारगेट रखना है। देखिए 700 नंबर हैं, 700 में से जो इंस्पेक्टर बनेगा मुझे लगता है कि 640-650 कम से कम चाहिए होंगे आज की डेट में, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ने इतना फ़र्क डाल दिया है कि टीयर 1 में भी नॉर्मलाइजेशन, टीयर 2 में भी नॉर्मलाइजेशन। तो फिर अगर बार बार हर स्टेज पे ही नॉर्मलाइजेशन हो रही है, तो अगर पहले 550 वाला इंस्पेक्टर बन रहा था तो ऑब्वियस सी बात है यार, बच्चों को 30-30, 40-40 नंबर बढ़ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन में। तो आप खुद लगा लीजिए कि 80-90 नंबर ऊपर लगा के चलो आप, कम से कम 640-650 वाला बंदा इंस्पेक्टर बनेगा फिर जाके। तो यही चीज़ है कि 700 में से इतने नंबर लाना आसान बात नहीं है, ये इसको आप हल्के में मत लेना। और जितने मैक्सिमम टीयर 1 में ले सकते हैं वो लेने हैं हमें, और ये भी नहीं है कि टीयर 1 में ही सब किसी के 140 आ गए तो वो सिलेक्ट नहीं हो सकता, हो सकते हैं सिलेक्ट, लेकिन उसको मेहनत फिर टीयर 2 में ज़्यादा करनी पड़ जाएगी। ठीक है भाई, तो ये सारा कंटेंट है और प्री प्लस मेंस के हिसाब से मैं सारा का सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी मिल जाएंगे हमारे चैनल के दूसरे के, और सारे कंटेंट के भी लिंक मिल जाएंगे। आप देखिए, इसको कीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। और एक फेवर आपसे चाहिए कि सारी की सारी वीडियोस को यूट्यूब पे ही देखना, ताकि हम ये कंटेंट को ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाए ड्यू टू एल्गोरिदम ऑफ यूट्यूब। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को।